बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्लानिंग तो करके आए हैं। होपफुली वो ड्राफ्ट में जो चीज़ें हमें चाहिए वो मिल जाएं। अभी तक तो जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारा जो लोअर ऑर्डर और हमारी फास्ट बॉलिंग थी, स्पेशली डेथ ओवर्स के हमें स्पेशलिस्ट चाहिए थे, तो टैमिल मिल्स के आने से हमारी वो चीज़ बेहतर होगी। और अभी बाकी भी कैटेगरीज रहती हैं, तो होपफुली उसमें भी जो हमें चाहिए वो मिल जाए। जी शदाब, रोटी गैंग का एक अहम हिस्सा हसन अली आपको छोड़ के चले गए, तो क्या आपको मिस करेंगे इस टूर्नामेंट में? डेफिनेटली मिस करेंगे, लेकिन ये क्रिकेट और ये PSL, क्योंकि ऐसा कैटेगरी वाइज हम लोग उस तरह फंसे हुए थे कि हम जो हमारी कोर थी हम उसको रिटेन नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसका एक टैग भी उतर जाएगा, जो कि दोस्ती वाला सबसे इजी टैग अब बना हुआ है, वो भी उतर जाएगा। तो उससे मेरे ख्याल से उसका प्रेशर भी कम होगा और जिस तरह का वो बॉलर है, वो इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के लिए और PSL में उसने परफॉर्मेंसेज दी हैं, होपफुली हमारे खिलाफ, हमारे अलावा बाकी के खिलाफ वो परफॉर्मेंसेज देता रहे। जी राणा साजिद, हसन अली तो चले गए, लेकिन नसीम शाह आ गए हैं, तो क्या समझते हैं कि बैलेंस हो जाएगा, नसीम शाह का एडवांटेज रहेगा और टीम का कॉम्बिनेशन किस तरह से देखते हैं? देखिए, नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है कि दुनिया में दो तीन ऐसे बॉलर हैं जो हर फेस में, हर फॉर्मेट में इक्वली गुड हों। मुझे लगता है कि उसके आने से हमारे तीनों फेसेस कवर कर रहा है वो, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और होपफुली जिस तरह का वो बॉलर है वो उसी तरह हमारे लिए परफॉर्म करें। जी गिल भाई, शदाब रोटी गैंग का हिस्सा बन गए आजम खान और वो बड़ा खाते हैं, आपकी रोटी तो भी मुका देंगे, वो ख़त्म कर देंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, रोटी का तो मुकाबला नहीं है, बस वो जितना मज़ी खाए पिए जो भी है, वो ग्राउंड में जो चीज़ करता है, बस हमें वो चीज़ का फिक्र करनी है। और जिस तरह वो हमारी, क्या हम पूरी टीम की रोटी खा ले, बस हमें मैचेस जिताए। जी जी सर, शदाब जॉर्डन कॉक्स को फाइनली आपको विकेट कीपर कौन है? नहीं, आज़म हमारा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है और जो कॉक्स है वो बैकअप है, लेकिन जिस तरह का वो फील्डर है दुनिया में, मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है। तो ऐसा हमें एक ऑलराउंडर टाइप प्लेयर चाहिए था जो कि फील्ड भी कर सके और कीपिंग भी कर सकते, और स्पेशली वो जिस जगह पे बैटिंग करता है वो हमें चाहिए था, क्योंकि मिडल ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर रोल हमें चाहिए था। हम जो लास्ट टू ईयर्स हमने स्ट्रगल किया, स्पेशली नॉकआउट मैचेस में, वो मुझे लगता है कि हमने फिनिश नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से हम जॉर्डन कॉक्स के। शायद आप PSL 9 के अंदर एज ए कैप्टन, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर कुछ ऑफ कलर दिखाई दिए थे, ये टूर्नामेंट कितना बड़ा होगा आपके लिए एज ए नेक्स्ट विनर? डेफिनेटली एक PSL जब भी आता है वो हमेशा ही बड़ा होता है, एंड वी जो परफॉर्मर और टीम के लिए भी, तो ओबियसली एम तो वही है कि उससे पहले ही फॉर्म वापस बहाल की जाए, स्पेशली अभी जो 4-day क्रिकेट हो रही है, होपफुली फिट होकर मैं 4-day क्रिकेट स्टार्ट करूं और उससे फॉर्म बहाल करूं, तब जब PSL आए तो तब तक मेरी हॉट फॉर्म में हूँ। जी लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही कि हम आपको कह सकें कि यार आप मजीद की तो ज़रूरत पड़े, बहुत सारे लोग नीचे से आ रहे हैं बैक टू बैक, तो ये PSL में आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप बता सकें कि नहीं यार अभी भी मेरे लिए दम कम है? देखिए, अभी तो मैं एक किस्म का यंगस्टर ही हूँ, आप ऐसे कह रहे हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है या कोई यंगस्टर आ रहे हैं, हर बंदे का अपना, मेरे ख्याल से जो भी कह सकते हैं कि मेरे, मुझे पता है कि मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ, डेफिनेटली मैंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरा किसी के साथ ऐसा मैच नहीं है मैं, और ऐसा ना मैं सोचता हूँ, मेरा अपने साथ मैच होता है कि मैं अपने से कैसे बेहतर हो सकता हूँ, जो मैं कल था उससे कैसे बेहतर हो सकता हूँ, और दूसरा जो भी आता है वो अपना नसीब लेके आता है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास इतने ऑप्शन होने चाहिए कि वो एक स्पॉट के लिए हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन हो, ताकि जो बेस्ट हो वही खेले उस स्पॉट पर। लास्ट सवाल जी है, बाबर आजम के ऊपर ये कहा जा रहा था कि वो कैप्टन है तो इसीलिए उनकी फॉर्म जो है वो नहीं आ रही है और कैप्टनसी का प्रेशर होता है, तो आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में कैप्टन हैं, आपकी फॉर्म भी इस तरह का नहीं है, तो आप समझते हैं कि कैप्टनसी और फॉर्म दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से आपकी फॉर्म नहीं है? नहीं, कैप्टनसी तो मैं PSL में कैप्टन हूँ, तो आप PSL की परफॉर्मेंस नहीं देखी मेरे ख्याल से आप, क्योंकि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को PSL की परफॉर्मेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब परफॉर्मेंस नहीं होती
वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होता है, वो चाहे आप कैप्टन हो चाहे आप प्लेयर हो। मेरे ख्याल से जो अभी 4 डे क्रिकेट अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है, होपफुली मैं जल्दी से फिट हूँ और वो खेलूँ, उससे मेरी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी डेफिनेटली, क्योंकि जो मेरी बॉलिंग फॉर्म है वो गिरी है उसमें। जब आपको एक चीज़ का पता चल जाए कि किस चीज़ की वजह से ये इस बॉलिंग फॉर्म गिरी है, तो डेफिनेटली आप बेहतर कर सकते हो। अगर आपको एक चीज़ का आईडिया नहीं हो रहा कि जिस क्या वजह है क्या मसाइल हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी बॉलिंग एक्शन का फॉल्ट था वो बेहतर वो आइडिया हो गया, और होपफुली वो मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ ताकि PSL से पहले मैं फॉर्म में हूँ, ताकि आपका जो सवाल भी चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।